आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे नेहमी वादाच्या भोऱ्यात अडकलेले महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना मोठा दिलासा मिळालाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाने नुकतीच फेटाळून लावली आहे. कोश्यारी यांचा हेतू समाजाचं प्रबोधन करण्याचाच होता, कोणत्याही महान व्यक्तीचा अनादर करण्याचा नव्हता, असं निरीक्षण हायकोर्टाने आपल्या आदेशामध्ये नोंदवलेलं आहे. आणि स्वतः भगतसिंग कोश्यारी आता दूरध्वनीवरून आपल्यासोबत आहेत. कोश्यारीजी, कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, सम्माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करता हूं जी. और दूसरी बात, ये मेरे वक्तव्य को जी बात का विषय बनाना, मुझे दुख है कि मैं महान राष्ट्र महाराष्ट्र महान प्रदेश महाराष्ट्र का राज्यपाल रहा, वहाँ की जनता इतनी श्रेष्ठ, वहाँ का नेतृत्व इतना श्रेष्ठ, लेकिन बात को सही अर्थों में लेने के जगह पर उसको जिस ढंग से विवाद बताया गया उससे मुझे कहीं न कहीं कष्ट हुआ. क्या मेरी छत्रपति शिवाजी के प्रति श्रद्धा में कहीं कमी हो सकती है? क्या मेरी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के सम्मान में कहीं कमी हो सकती है? लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ राजनेताओं को वहाँ महाराष्ट्र में लगता था कि गोलबल किस तरह से उनका विश्वास है कि 100 झूठ बोलो तो सत्य हो जाएगा. ऐसा हमारे हाईकोर्ट ने मेरे वक्तव्य को सही दृष्टि से देखा, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. और मुझे लगता है कि हमारी महाराष्ट्र की जनता सब जानती है, पर राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने इसको विवादास्पद बनाया. और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे मीडिया में भी बार बार विवादास्पद कहा गया. मुझे अच्छा लगता यदि मेरे वक्तव्य को सही परिप्रेक्ष्य में पहले ही आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता तो शायद किसी को कोर्ट में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती. लेकिन इस बयान के बाद, कोर्ट के निर्णय के बाद, मुझे लगता है कि भविष्य में जो भी राजनेता या कोई इस प्रकार के बयान लोग विवाद कर खड़ा करते हैं, उससे पहले यदि आप जैसे महान लोग, इतनी बड़ी चैनल, इतने बड़े पत्रकारें यदि सही दिशा में अगर लोगों का मार्गदर्शन करेंगी तो विवाद नाम की कहीं चीज खड़ी नहीं होगी, किसी को हाईकोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. कोश्यारी जी, क्या आपको लगता है आपके आप पर जो आरोप लगे हैं, क्या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ऐसा लगता है आपको? मैंने कहा ना कि राजनीतिक कारण से लोग बोलते हैं जी, और वो बोल रहे हैं तो समझ में आता है, परंतु हमारा मीडिया आजाद है, आप लोगों का हम आदर करते हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी बार बार ये कहा गया कि कंट्रोवर्शियल गवर्नर, तो कम से कम उस बात में कोई कंट्रोवर्सी में कोई तत्व है कि नहीं है? मुझे लगता है कि इसे हमारे विद्वान लोगों को, और मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, यदि आगे भी भविष्य में भी चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, या किसी भी बात पर यदि विवाद राजनेता तो खड़ा करेंगे, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? तो इसलिए वो तो मैंने कहा ना आपको, राजनीति में तो वहाँ लगता है कि कुछ एक दो लोग ऐसे उनको लगता है कि गोलबल की कहानी पर चले चलो कि 100 बार झूठ बोलो तो सही होगा, तो बात बार विवाद आदमी बात कहेंगे. तो हाईकोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है. मुझे लगता है कि भविष्य में इस सब संबंध में इतने श्रेष्ठ प्रदेश में इतने श्रेष्ठ लोग जहाँ पर है, जहाँ की जनता इतनी महान है, इस प्रकार के बातों को बात का बतंगड़ न बनाया जाए, विवाद खड़ा न किया जाए, बिना विवाद के विवाद न खड़ा किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र की गरिमा है वो बनी रहेगी. एक और चीज, अगर ये फैसला थोड़े दिन पहले आ जाता था तो क्या आप पद पे कायम रहते थे? नहीं नहीं, देखे मेरे पद का इन आपके बाद विवादों से मेरा कोई लेना देना नहीं है. मैंने पहले ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था, आप अगर मेरे उद्घाटन के समय राजभवन के अगर आप होंगे तो मैंने तब भी कहा था कि ये मैं केवल आपकी स्नेह और आपके विश्वास के कारण से यहाँ आया हूँ, और मुझे पहले ही मैंने घोषणा कर ली थी कि मुझे राजनीति और इन चीजों से दूर होना है, तो इससे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. कोश्यारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बहुत धन्यवाद. तो आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला असं भगतसिंग कोश्यारींचं म्हणणं आहे. मुंबई हायकोर्टाने या सगळ्या संदर्भातला आदेश दिलेला आहे आणि
कोश्यारींनी एबीपी माझावर एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया दिली. माझा वक्तव्यांचा राजकीय वापर झाला, चुकीचा वापर झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे, आणि माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे. एबीपी माझावर एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया त्यांनी आता दूरध्वनीवरून दिली. हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिलेला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आपल्या वक्तव्यांचा राजकारणासाठी चुकीचा वापर झाला असं म्हणाले भगतसिंग कोश्यारी. प्रतिक्रिया आता भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर माझ्या वक्तव्यांचा राजकारणासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यात आल्याचंही कोश्यारी यांनी म्हटलेलं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.